वैलेंटाइंस डे का खास मौका है और इस दिन का खास इंतजार सभी लवर्स को होता है। ठीक उसी तरह एयाना डीलो भी वैलेंटाइन डे पर काफी एक्साइटेड नजर आई। उन्होंने कहा कि इस साल तो वो सिंगल है लेकिन अपनी माँ के साथ डिनर पर जरूर जाएंगी। बहुत ही अच्छा टाइम है वैलेंटाइंस डे, लवर्स डे। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ओकेजन इफ आई फील ओके वैलेंटाइंस डे। बट दिस टाइम आई थिंक वैलेंटाइंस डे आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली, बिकॉज इफ यू हैव द लव वैन इन योर फैमिली एंड आई फील वैलेंटाइंस डे इज समथिंग। इफ यू हैव लव्ड वन इन योर लाइफ और यू हैव ए पार्ट इन योर लाइफ, आई थिंक एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन डे। देर शुडंट हैज टू बी ओनली वन डे सम वन ओकेजन फॉर वैलेंटाइंस डे। सो आई एम सिंगल एज ऑफ नाउ, सो आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद माई फैमिली विद माई मॉम। सो आई एम कॉलिंग माई मॉम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, सो वी आर हैविंग अ डिनर, सो दैट्स हाउ माई वैलेंटाइंस डे गोना बी। एक कॉलेज में कॉन्फ्रेंस पर नजर आई विद्या बालन, इस मौके पर उन्होंने बहुत कुछ साझा किया। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म रिलीज हो चुकी है लेकिन प्रमोशन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब भी फिल्म को जमकर प्रमोट किया जा रहा है। फिल्म हाथी मेरे साथी का ट्रीजर और पोस्टर लॉन्च किया गया, इस मौके पर राणा डग्गुबाती नजर आए। लैक्मे फैशन वीक 2020 में नजर आई नेहा धूपिया, सनी लियोनी और रकुल प्रीत, जिन्होंने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे।